हाय, मेरा नाम है हर्षित काबरा और मैं राम से आके लव कुश में लव का किरदार निभा रहा हूँ। हाय, मेरा नाम है क्रिश चौहान और मैं राम से आके लव कुश में कुश का किरदार निभा रहा हूँ। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ चिल्ड्रंस डे की स्टोरी कर रहे हैं। जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो वही चार दीवार के अंदर बैठना, एक मैम आएगी, वो जाएगी, दूसरी आएगी, पर वहाँ पे भी उतना ही मज़ा आता है जितना शूटिंग में आता है। देखो, जैसे कि हम स्कूल में बैठते होते हैं, कोई मतलब जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता वो मैम आ जाती है पढ़ाने के लिए, तो हम लोग कुछ नहीं, डिब्बा खोल के खाना चालू कर देते हैं, चाहे कौन सा भी पीरियड हो, चुप चुप के खाना चालू, और जब तक रिसेस होती है, ब्रेक होती है, तब तक सबके डिब्बे ख़त्म हो जाते हैं। फिर रिसेस में मस्ती चालू। वैसे भी स्कूल में तो इतनी मस्ती करती है, साथ साथ हम लोग सेट पे भी बहुत मस्ती करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के साथ, जैसे कि डीओपी टीम है, जैसे कि डायरेक्टर का डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हम लोग खुल के मस्ती करते हैं। सर कभी रोकते टोकते नहीं है कि आप लोग ये मस्ती मत करो, वो मत करो, भागा थोड़ी सब कुछ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी दोस्ती हुई हो इस बीच पर आकर, तो वो है राजा घोड़ा, जो अश्वमेघ का घोड़ा है, उसके साथ वो बहुत प्यारा है। मतलब कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा प्यार हम लोग एनिमल को भी करते हैं, तो वो इतना प्यारा है कि आप उसके साथ बात करो, बैठो, अपने हाथ से खिलाओ, बहुत मज़ा आता है उसके साथ। तो मैंने तो बहुत कम खाई। मारना अलाउड नहीं है क्योंकि लोग कंप्लेन करते हैं कि मारते क्यों, बट डांटते ज़रूर है जब हम लोग करके नहीं जाते। मतलब आउटस्टैंडिंग के दो मतलब होते हैं, पहला क्या बात है आउटस्टैंडिंग मिला तेरे को बुक में, दूसरा क्लास के बाहर खड़ा रहना आउटस्टैंडिंग। तो कभी कभार हमें अच्छा वाला भी आउटस्टैंडिंग मिला है और बुरा वाला भी आउटस्टैंडिंग मिला है, तो वो होता रहता है, चढ़ाव ऊपर नीचे होती रहती है। दोनों होमवर्क करने में तो दोनों आलसी है। मतलब एक तो स्कूल से इतना पढ़ के आना, फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आने के बाद हम लोग को बैठ के होमवर्क लिखना, होमवर्क लिखने। जब स्कूल से हम लोग घर पे आते तो चलो पढ़ाई करके आ जाते हैं, फिर मम्मी बोलते हैं चलो वो याद करके सुनाओ। तो नहीं नहीं याद नहीं करना, चलो होमवर्क ही कर लेता हूँ। फिर मन लगा के होमवर्क में 3-4 घंटे मस्त लगा देते हैं। मम्मी अब नीचे खेलने का टाइम हो गया, नीचे जाने दो, खत्म पढ़ाई। स्कूल गए, सुबह उठ गए 5:30 बजे, 6 बजे स्कूल से आए, खाना खाया, ट्यूशन भाग गए, क्योंकि अभी तो मेरा 10th चल रहा है, तो जब मैं बड़ौदा रहता हूँ तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। शूटिंग में भी जो प्रोडक्शन वाले हैं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूटर रखा है जो हमें हेल्प करता है। तो स्कूल से आए हम लोग, पढ़ाई की, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, और जैसे कि मैं डांसर हूँ तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बहुत टाइम के बाद डांस नहीं किया था मैंने, तो कभी कभार एक्सरसाइज हो जाती है, कभी फ्रेंड्स आते हैं घर पर तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती हो जाती है, तो मज़ा तो बहुत आता है। और रात में वापस से जो बचा कुचा होमवर्क रह जाता है वो करना पड़ता है, तो मज़ा आ जाता है वहाँ पर भी। पहले का तो इतना याद नहीं होगा, तो मैं 7th में एक बार हुआ था कि हम लोग ने चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे हम लोग खुद बनाते हैं, और चिल्ड्रंस डे के दिन मैम हमें मतलब मस्ती कराती है, और टीचर्स डे के दिन मैम अलग अलग कपड़े पहन के आती है, मतलब वो मैम नहीं होती, इवन हायर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं। तो चिल्ड्रंस डे के दिन होता क्या है, हायर क्लासेस के जो मैम होते हैं वो हमारे क्लास में, हायर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग गेटअप, जैसे मैम दिखते हैं वैसा उनका गेटअप में आते हैं, उनके जैसे कि थोड़ा बोलते हैं वैसा वो लोग ट्राई करते हैं, पढ़ाते हैं हम लोग को, तो हमें मतलब चिल्ड्रंस डे के दिन कुछ पढ़ाई तो होती नहीं है, हम लोग की बेंचेस कैसे ऐसी होती है ना, हम उसको चार कॉर्नर में रख देते हैं और हम लोग बीच में आ जाते हैं, चारों तरफ से बैठ जाते हैं और बीच में डांसिंग, म्यूजिक, बहुत सारे मजे। तो एक टाइम ना मेरा फ्रेंड है पवन, वो केक लेकर आया था जो हमें किसी को पता नहीं था, तो उसने केक पता नहीं जो मैम थे उनके साथ रखवा दी साइड के अंदर, वो केक आई और हमें भी नहीं पता था कि वो पवन लाया था। तो जब केक लाने की बारी आई ना, तब तक केक तो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि सब लोग को धीरे धीरे पता चल गया था कि ये केक लेकर आया, तो आने से पहले ही सारी केक ख़त्म हो गई। तो फिर हम लोग ने उस वक्त इतनी मस्ती की, मैम ने भी हमें बहुत हंसाया वहाँ पर, फुल ऑन गेम्स वगैरह चलता ही है वहाँ पर, तो बहुत मज़ा आता है। और टीचर्स डे के दिन क्या होता है, हम लोग ऐसा सोच कर आते हैं घर से कि हम लोग पूरे क्लास को, टीचर्स डे जब आता है तो हम लोग ऐसा सोच के आते हैं कि पूरा क्लास अच्छे से डेकोरेट करें, मैम आएंगे, वो आएंगे, मैम कभी आते ही नहीं है क्लास के अंदर,
वो तो नीचे ही रहते हैं जब सारे प्रिंसिपल मैम के साथ मजे करते रहते हैं और हम लोग ऊपर वेट करते रहते हैं। स्टूडेंट होते वो आते हैं टीचर बना के यूं यूं थोड़ी सी पढ़ाई करवा देते हैं। मिस तो हम लोग बहुत करेंगे, तो मैंने ऐसा एक कुछ प्लान बनाया कि जो मेरे स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको मैं यहाँ पे बुलाऊँ। तो भी मैंने सोचा कि फ्राइडे की नाइट को मैं उनको बुला लूँ बॉम्बे से या फिर बड़ौदा से जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं उनको यहाँ पर बुलाऊँ, दो तीन दिन मेरे साथ रखूँ। जैसे कि बीच है जहाँ पर मेरा शूट हो रहा है तो उसमें से अगर हाँ तो हम लोग उनको बुला के फुल ऑन मस्ती करें यहाँ पर। जैसे कि कभी कभार अभी हम लोग जब सुबह का शूट होता है तो हम लोग को शाम का जल्दी पैकअप हो जाता है तो फिर तब हम लोग ने कुछ प्लान किया है तो घर पे जाके मस्त मजे करते हैं, टीवी देखते हैं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा है यहाँ पर करने के लिए।